आवर टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सो सबसे पहले समझते हैं कि ये डिवाइस करता क्या है। ये डिटेक्ट करता है करंट को सर्किट के अंदर। तो इट इज़ अ डिवाइस दैट डिटेक्ट्स करंट इन दी सर्किट। तो यानी ये बताएगा कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रिंसिपल क्या है इसका और किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम एक करंट कैरिंग कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क क्रिएट हो जाता है। तो यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है और यहाँ मैंने ये डायग्राम बनाया है। तो बेसिक प्रिंसिपल कहता है व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। तो अब हम देखते हैं इसके सेटअप को, यानी इसके डायग्राम को पहले समझते हैं और फिर हम इसकी पूरी वर्किंग की बात करेंगे, यानी कंस्ट्रक्शन पार्ट हम पहले समझते हैं। तो पहले इसमें क्या किया कि एक बॉक्स टाइप लिया है। नाउ कंसीडर टू टर्मिनल T1 एंड T2। यहाँ ऊपर से वायर है, सस्पेंशन वायर, जहाँ से आपने इसको कनेक्टेड, एक्चुअली कहाँ से, T2 से कनेक्टेड है और ये वायर स्ट्रेट आ रही है। स्ट्रेट आते ही नीचे यहाँ पर ये स्पायरल्स हैं, हमने यानी स्प्रिंग्स यूज़ किए हैं। कुछ मॉडल्स में हम यहाँ पर फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप भी यूज़ करते हैं, यानी ज़रूरी नहीं कि दोनों तरफ स्पायरल्स हों, कुछ मॉडल्स में स्ट्रिप भी होते हैं। लेकिन मेजॉरिटी, अभी आप अगर आप लैब में जाके मॉडल देखेंगे, कोई ख़राब मॉडल हो गैल्वेनोमीटर का, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप उसे ज़रूर ओपन करके देखिए, उसमें ये सारे पार्ट्स आपको बहुत ही क्लियरली विजिबल होंगे। तो ये स्पायरल्स हैं, लगे होते हैं, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज के बने होते हैं, ऊपर भी लगा होता है, टॉप साइड पर भी और बॉटम साइड पर भी। टॉप साइड पर स्ट्रिप भी हो सकती है, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, ज़रूरी नहीं है ये स्पायरल हो। देन बीच में हमने एक मेटेलिक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का मेटेलिक फ्रेम है, ये जो थोड़ा सा शेडेड पार्ट से आपको दिख रहा होगा, तो मैं इसे कलर्ड कर देती हूँ थोड़ा सा। सो आई हैव डन, ये मैंने थोड़ा कलर कर दिया ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए थोड़ी सी। तो ये कलर क्या है, कलर्ड पार्ट क्या है, ये नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम है। यहाँ पे सब लेबलिंग हुई हुई है, ये देखिए नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम मैंने यहाँ पर लिया है और इसके ऊपर हम वायर को, कॉपर वायर को रैप करते हैं। नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम जनरली हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं और इसके इनसाइड हमने रखी है सॉफ्ट आयरन कोर। ये सॉफ्ट आयरन कोर सिलेंड्रिकल शेप में होती है, ऊपर जो मेटेलिक फ्रेम हमने यूज़ किया है वो रेक्टेंगुलर फ्रेम में होता है और उस पर हमने कॉपर वायर को रैप किया है। सबसे नीचे वाले पार्ट में कॉपर वायर के दो हिस्से हो गए, यानी कि उधर से आ रही है कनेक्टिविटी, उस तरफ वाले भी हमने स्पायरल यूज़ किए हैं या स्प्रिंग यूज़ किए हैं और उससे हमने पॉइंटर कनेक्ट कर दिया है, और नीचे भी हमने स्पायरल्स यूज़ किए हैं या स्प्रिंग्स यूज़ किए हैं और उसको हमने नेक्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। एक तरफ T1 टर्मिनल है और एक तरफ T2 है। जब आप कनेक्शन करेंगे इसका सर्किट के अंदर, तो एक साइड आप यहाँ कनेक्ट करेंगे एक वायर और दूसरी वायर जो करंट इसके थ्रू जाएगा, एंड देन दूसरी वायर जो है आपकी आगे कंटिन्यूएशन के लिए वो T2 टर्मिनल पे कनेक्टेड होगी। ये यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये मैंने लगाया है मिरर। इस मिरर का काम ये होता है कि जब पॉइंटर शिफ्ट करता है अपनी पोजीशन से, तो ये मैं पॉइंटर तो मैंने छोटा बना दिया बट आप एक्चुअली यहाँ तक बनाते हैं, तो पॉइंटर बिल्कुल इसको क्रॉस करते हुए जाता है। और जब आप गैल्वेनोमीटर लैब में देखेंगे तो उस गैल्वेनोमीटर में भी ये मिरर बना होता है और उस मिरर पर इस निडल की जो पॉइंटर है उसकी इमेज बनती है, जहाँ वो इमेज सुपर इम्पोज करती है उस पॉइंट को हम एज अ ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तो इस मिरर का और कोई मेजर रोल नहीं है, ये एक्यूरेसी लाने के लिए है, ऑब्जर्वेशंस लेने में हेल्प करने के लिए, और कोई पर्पस नहीं है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फंक्शनिंग। अब मेजर पार्ट रह गया वो तो हम भूल गए, नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो ये नॉर्थ और साउथ पोल दोनों तरफ लगे होते हैं, ये कनकेव शेप में होती है मैग्नेट्स और इसको हम बहुत ही स्ट्रांग बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट होती हैं इनका नाम है। इनको हम जनरली जब हम लैब में आप देखेंगे बने हुए तो एक डिस्क शेप की होती हैं, तो ये हॉर्स शू मैग्नेट्स हैं, ये कनकेव शेप की हॉर्स शू मैग्नेट्स हैं जो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं और इसके बीच में हम ये कॉइल को प्लेस करते हैं ताकि, अच्छा इसका रीज़न भी है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो हमने मैग्नेट्स यूज़ किए हैं इनको हम कनकेव शेप में ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो उसका रीज़न भी मैं देती हूँ एंड देन कम लेट अस डिस्कस थ्रू दी अनदर डायग्राम। तो दूसरा डायग्राम मैंने फिर से बना दिया है जिसमें जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये ग्रीन वही है मेटेलिक फ्रेम और इसके बीच में मैंने वायर्स दिखाई हैं, यानी कि वो वायर जो है कॉपर वायर वो रैप कर दी गई हैं और ये सर्कुलर पार्ट जो दिख रहा है वो अब आपको, यानी ये टॉप व्यू है, टॉप से हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये सिलेंड्रिकल पार्ट भी नज़र आ रहा है, मेटेलिक फ्रेम भी नज़र आ रहा है, नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम और ये कनकेव शेप मैग्नेट्स भी नज़र आ रही है। पर्पस क्या है कनकेव शेप मैग्नेट्स को कर्व बनाने के लिए, कनकेव शेप बनाने के लिए, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो रेडियल हो जाएं। यानी अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूँ आपको, तो अगर हम फ्लैट सरफेस लेते नॉर्थ पोल और साउथ पोल का, तो क्या होता कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर स्प्रेड हो जाती, इधर इधर इधर, और वेरी फ्यू फील्ड लाइंस जो हैं वो एंटर कर पाती किसमें, साउथ पोल की तरफ कुछ ही जाती।
फील्ड लाइंस जो हैं इधर से इधर पार करने वाली, बहुत नंबर कम हो जाता और जो इंटेंसिटी थी फील्ड लाइंस की, जो स्ट्रेंथ थी वो रिड्यूस हो जाती और वो यूनिफॉर्म भी नहीं रहती। लेकिन अब कर्व्ड सरफेस यूज़ करने का फ़ायदा ये हुआ कि इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो जो फील्ड लाइंस आ रही हैं वो इधर वाली वो अंदर की तरफ बेंड हो जाएंगी। और यही बेंडिंग मैंने यहाँ पर शो की है कि ये फील्ड लाइंस इस तरीके से टुवार्ड्स दिस सिलेंड्रिकल लूप जो है वो सॉफ्ट आयरन कोर का जो लूप है उसके अंदर एंटर कर पाती हैं, और फील्ड लाइंस कैसी हो जाती हैं उस केस में, यूनिफॉर्म हो जाती हैं और स्ट्रांग हो जाती हैं। अब बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि जो ये फ्रेम, मेटेलिक फ्रेम इसके अंदर घूम रहा है, ये किसी भी पोजीशन पे जाए ये रेफरियल फील्ड लाइंस हमेशा इसके पैरेलल रहेंगी, या तो अलोंग दिस रहेंगी या इसके पैरेलल रहेंगी। मान लीजिए यहाँ से यूं जा रहा था तब तो ये फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर कर रही हैं, ये थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ पहुँचा तो दूसरी फील्ड लाइंस एंटर कर जाएंगी, तो सम ऑफ द अदर फील्ड लाइंस विल रिमेन पैरेलल टू इट। और उससे फ़ायदा ये हुआ कि रेडियस के साथ जो इसका नॉर्मल वेक्टर एंगल बनाएगा, जैसे इसका जो नॉर्मल वेक्टर फील्ड लाइंस जा रही हैं इस तरफ, ये फील्ड लाइंस की एंट्री हो गई, और नॉर्मल वेक्टर इस तरफ, तो मैग्नेटिक और इसके बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। और अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया, इसका नॉर्मल वेक्टर जिसको हम मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट बोल रहे थे, डायपोल मूवमेंट जो उसके केस में एम इज इक्वल टू एन आई ए, इससे पहले हमने टॉर्क एक्सप्लेन किया था जिसमें हमने कहा डेरिवेशन जब निकाली थी तो उसमें कहा था उसमें मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है, वो कहाँ होता है, सरफेस के नॉर्मल होता है। तो अब हमें इसकी डायरेक्शन ऑफ करंट तो नहीं पता, लेकिन जो भी मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो एक ही साइड निकलेगा, या तो इस तरफ आएगा या उस तरफ आएगा। अगर वो उस तरफ जाता है तो भी वो रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और अगर वो इस साइड आ रहा है तो भी वो रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। फ़ायदा क्या हुआ कि टॉर्क मैक्सिमम हो गया, यानी इन केस इफ वी एक्सप्लेन टॉर्क देन वी हैव टॉर्क एज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट ये डेरिवेशन हमने लास्ट केस में की थी, यानी लास्ट वीडियो में अगर आप देखें, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने निकाला था कि एम बी साइन अल्फा होता है जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल पे टॉर्क एक्ट करता है, और एम बोलते हैं हम एन आई बी ए साइन अल्फा। बट यहाँ हमारे केस में अगर फील्ड लाइंस रेडियल हो जाएं तो अल्फा क्या हो जाएगा, 90। इसको मैं एक बार फिर से आपको फिगर में समझा दूं कि अगर आपका ये फ्रेम था तो आपकी दो फोर्सेस एक्ट कर रही थी, एक फोर्स एक्ट कर रही थी आपकी उस डायरेक्शन में और एक फोर्स एक्ट कर रही थी आपकी इस डायरेक्शन में, तभी तो टॉर्क क्रिएट हो रहा था। सो ये दो फोर्सेज एक्ट कर रही थी, लेकिन जो फील्ड लाइंस थी रेडियल फील्ड लाइंस थी वो इसके अलोंग ऐसे अंदर की तरफ जा रही थी, और फील्ड लाइंस इस तरीके से इसी एक्सिस पर थी, मतलब प्लेन के सरफेस पर थी, यानी कि उस रेक्टेंगुलर मेटेलिक फ्रेम पर थी। और उसका अगर आप नॉर्मल वेक्टर देखें, यानी मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर देखें, ये वाला एम वेक्टर, तो अगर हमें करंट की डायरेक्शन पता हो तो हम बता सकते हैं, लेकिन अगर हमें नहीं भी पता है तो या तो वो इसवर्ड आउटवर्ड नॉर्मल होगा या वो उस तरफ आउटवर्ड नॉर्मल होगा। दोनों ही केसेस में मैं मान लेती हूँ चलो इस तरफ आउटवर्ड नॉर्मल है, तो वो दोनों ही केसेस में कितना एंगल बना रहा है, 90। सो हमें अल्फा 90 मिल गया, अल्फा 90 आने पर टॉर्क क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। और अगर टॉर्क मैक्सिमम है इसी चीज़ को कि हम जो टर्निंग आई है वो कॉइल में बहुत अच्छे अमाउंट में टर्निंग आएगी, इसको मैं फिर से यहाँ पे समझाती हूँ कि अब रोल आता है इन स्पायरल्स का, कि स्पायरल का क्या रोल है, जब ये कॉइल घूमना शुरू करेगी तो जो ट्विस्ट है या जो रोटेशन है वो इस कॉइल में भी आएगी, अगर इस कॉइल में आएगी तो ये कॉइल भी एक टॉर्क क्रिएट करेगा, और जिस टॉर्क को हम बोलते हैं रेस्टोरिंग टॉर्क। इस टॉर्क का नाम रेस्टोरिंग टॉर्क कहा जाता है क्योंकि ये बिकॉज ऑफ इस कॉइल की रोटेशन की वजह से क्रिएट हुआ है। अब इसने इसको क्रिएट किया है तो किसी एक पॉइंट पर ऐसा होगा कि ये पॉइंटर, ये इस वाली कॉइल से ये पॉइंटर भी कनेक्टेड है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन कि हमने क्या किया था, एक स्पायरल ऊपर भी लगा रखा था एक नीचे भी, ऊपर वाले से हमने एक पॉइंटर को कनेक्ट कर रखा था, तो जब ये कॉइल घूमी ये दोनों स्पायरल्स ऊपर नीचे वाले, ऊपर में कभी कभी आपको फॉस्फर स्ट्रिप भी बोलते हैं, तो वो भी घूमना शुरू करेंगे। वो कब तक घूमेंगे, जब तक इनके अंदर भी एक रेस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट हो और वो रेस्टोरिंग टॉर्क इस कॉइल के टॉर्क के इक्वल ना हो जाए, तब एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। और जहाँ ऐसा हो जाएगा कि ये टॉर्क रेस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल हो गया तो फिर आपका ये पॉइंटर जो है वहाँ पर रुक जाएगा। और सपोज़ पॉइंटर में जो डिफ्लेक्शन आई थी वो सर्टेन एंगल की डिफ्लेक्शन थी, वो थी अल्फा, तो हम उस रेस्टोरिंग टॉर्क को डिफाइन कर सकते हैं, रेस्टोरिंग टॉर्क जो एक्ट किया वो था टॉ, दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। ये जो टॉर्क हमारे पास एक्ट किया आई, सॉरी के अल्फा,
आई ने के अल्फा, तो वो हमारे पास के अल्फा जो है रेस्टोरिंग टॉर्क आया था। यहाँ पे के क्या चीज है, के है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट। दूसरा दो तीन नाम दे सकते हैं आप इसको, इसको हम बोलते हैं टॉर्शन कांस्टेंट भी बोल देते हैं, या फिर TOR, या फिर आप इसको रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हो। सो किसी भी नाम से आप इसे बुला सकते हैं। के इज बेसिकली कांस्टेंट और हम यहाँ पे के अल्फा कह रहे हैं। अल्फा यहाँ पे क्या है, एंगल। टॉर्क एक रोटेशनल इफेक्ट होता है। जब आप नॉर्मल स्प्रिंग के अंदर कांस्टेंट निकालते हैं या कोई फोर्स निकालते हैं तो आप उसे बोलते हैं एफ इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है, तो के कांस्टेंट आ जाता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ ये रेस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट भी बोला। और सिंपल भाषा में आप इसे स्प्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं, नहीं तो ये टॉर्शन कांस्टेंट भी कहलाता है। अल्फा क्या है, अल्फा डिफ्लेक्शन है थीटा में, वहाँ डिस्प्लेसमेंट आती थी एक्स के अलॉन्ग, इसलिए हम उसे बोलते थे के एक्स, फोर्स की जब बात होती थी। अब रोटेशन हो रही है तो रोटेशन किस में वेरिएशन आ रहा है, एंगल में, तो इसलिए अब अल्फा क्या है, डिफ्लेक्शन है, ये अल्फा एंगल है। अब ये दोनों टॉर्क हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट पर इक्वल होने चाहिए, तो हम इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देते हैं। एन आई बी ए शुड बी इक्वल टू के अल्फा, यहाँ से आप आई को डिफाइन कर दीजिए, आई इज इक्वल टू के बाई एन बी ए अल्फा, और वी मे राइट जी अल्फा। जी अगेन हम डिफाइन कर सकते हैं विच इज़ के बाय एन बी ए, और इसे हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, कांस्टेंट, या फिर इसे करंट रिडक्शन फैक्टर भी बोला जाता है, बट आप इसे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट के नाम से याद रखें। यानी गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट हमारे पास आ गया और आपकी इक्वेशन बच गई जी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू जी अल्फा। यानी करंट जो था सर्किट के अंदर वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली वो प्रोपोर्शनल हो गया, ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल है और ये है अल्फा, वो डायरेक्टली डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल हो गया, वो डायरेक्टली एंगल के प्रोपोर्शनल हो गया, और यही एडवांटेज थी फील्ड्स को रेडियल बनाने के लिए। तो मैंने ऊपर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं आपको जस्ट एक छोटा सा क्विक रिकैप करा देते हैं। वाई कनकेव शेप मैग्नेट्स, हमने कनकेव शेप मैग्नेट्स क्यों यूज़ किए, पहला टू मेक द फील्ड रेडियल, रेडियल फील्ड बनाने से क्या मिला, टॉर्क वाज मैक्सिमम, टॉर्क मैक्सिमम बनाने से क्या मिला, लीनियर स्केल कुड बी यूज्ड, लीनियर स्केल बनाने से क्या मिला, सेंसिटिविटी इंक्रीज हो गई। यानी ये चारों पॉइंट्स इंटर रिलेटेड हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग और गुड क्वेश्चन है फॉर वाइवा। वाइवा में आपसे पूछा जाता है कि गैल्वेनोमीटर, क्योंकि आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं और उसमें बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि एग्जामिनर पूछेगा कि आप कनकेव शेप मैग्नेट्स क्यों यूज़ करते हैं, और बच्चा बोलेगा फील्ड लाइन्स रेडियल होते हैं, उससे क्या होता है, एग्जामिनर आगे आगे पूछते रहते हैं बट बच्चा रिलेट ही नहीं कर पा रहा है उसको कि वो हुआ तो क्यों हुआ, ये किया तो क्यों किया। तो यहाँ रीज़न है आपके पास, रेडियल फील्ड्स थी तो आपके जो डायरेक्शन हुई रेडियस की, ये आर की डायरेक्शन, रेडियस की डायरेक्शन प्लेन ऑफ दी कॉइल के बराबर हो गई, जिससे थीटा 90 हो गया। थीटा 90 हुआ तो हमने टॉर्क जब कंपेयर किया तो थीटा का इफेक्ट ही गायब हो गया, मतलब आपका यहाँ अल्फा जो था ये अल्फा हमने इलिमिनेट कर दिया पहले, क्योंकि थीटा को हम 90 मान चुके। अगर यहाँ पे अल्फा आता तो इसका मतलब आप इसको डायरेक्टली के अल्फा डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल नहीं ला सकते थे यहाँ पे। देखिए ये चीज एक ध्यान रखेंगे, दो जगह अल्फा आ रहा है, तो ये अल्फा है एंगल किसके बीच में, जो एरिया वेक्टर था या फिर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और सरफेस ऑफ द कॉइल के बीच में, जो कि हमने पहले ही खत्म कर दिया, यानी हमने उसको 90 मान के और वो इक्वेशन से गायब हो चुका है, अब वो अल्फा नहीं है। वो किसके बराबर आ गया, अभी के अल्फा के इक्वल आ गया। लेकिन अगर वो ये वाला थीटा भी सस्टेन करता तो यहाँ साइन थीटा वैल्यू आती, यानी उसको आप फिर के अल्फा से रिलेट करते, ये रिलेट करते तो आपके करंट की इक्वेशन में साइन थीटा कहीं आता, कहीं आता तो आप डायरेक्टली करंट को आई अल्फा के, यानी अल्फा के प्रोपोर्शनल नहीं बता सकते थे। अल्फा क्या है, डिफ्लेक्शन है, यानी अगर अल्फा हमारी डिफ्लेक्शन है तो हम कॉइल के अंदर, ये गैल्वेनोमीटर का फिगर है, हमने यहाँ पर जितना कॉइल घूमा उतना ही हमारी रीडिंग आई, तो हम सीधा सीधा एक लीनियर स्केल यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम अल्फा का कोई, ये अल्फा इज़ रिलेटेड विद दिस डिफ्लेक्शन, इससे मतलब इस एंगल को हमने सीधा सीधा, एंगुलर डिफ्लेक्शन को हमने सीधा सीधा स्केल से रिलेट कर दिया। फ़ायदा ये हुआ, अगर वो वाला अल्फा भी सस्टेन करता, यानी वो एंगल भी रहता इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास एक एंगल डिपेंडेंस आती और फिर इस लीनियर स्केल को यूज़ करना पॉसिबल नहीं था। अगर लीनियर स्केल नहीं होता
तो फिर आपके पास एक लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है, आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती है और फिर सेंसिटिविटी भी अच्छी नहीं होती गैल्वेनोमीटर की, यानी कि छोटे एंगल पर भी, छोटे करंट पर भी वो लार्ज एंगल की डिफ्लेक्शन नहीं शो करता। तो आप कहते हैं हम कंस्ट्रक्शन के, हालांकि ये पॉइंट अब देने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले लिखे थे बट मैं वैसे ही वर्बली डिस्कस कर चुकी हूँ। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मेटेलिक फ्रेम होता है, सॉफ्ट आयरन कोर होती है, ये मेन जो जो चीज़ें हैं, पार्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कनकेव शेप मैग्नेट्स होते हैं, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्प्रिंग्स होते हैं। फॉस्फर ब्रॉन्ज का बना होता है स्प्रिंग, कनकेव शेप मैग्नेट्स कौन सी होती है, हॉर्स शू मैग्नेट होती है। सॉफ्ट आयरन कोर सिलेंड्रिकल शेप की होती है, नॉन मेटेलिक रेक्टेंगुलर फ्रेम की होती है। तो ये सिर्फ हमें सिर्फ रिकैप किया मैंने, अब हम बात करते हैं फिगर ऑफ मेरिट की। सो नाउ वी कैन डिफाइन फिगर ऑफ मेरिट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर एज इट इज डिफाइंड एज अ करंट पर यूनिट स्केल डिवीजन। सो अगर एक ये वो करंट है, इट इज़ द करंट विच प्रोड्यूस अ डिफ्लेक्शन ऑफ वन स्केल डिवीजन, एक स्केल डिवीजन की डिफ्लेक्शन जो प्रोड्यूस कर दे करंट, उसको हम कहते हैं फिगर ऑफ मेरिट। सो इसको डिफाइन करते हैं जी इज इक्वल टू आई बाई अल्फा। जी कोई डिफरेंट, जी को हम गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट भी बोल रहे थे, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कॉन्स्टेंट कहाँ से आया है, उसी को इक्वेशन को, आई इज इक्वल टू आपके पास जी अल्फा था, तो जी को डिफाइन कर दिया, दैट इज इक्वल टू आई बाई अल्फा। सो इट इज़ द करंट प्रोड्यूसिंग वन स्केल डिवीजन, सॉरी डिफ्लेक्शन ऑफ वन स्केल डिवीजन। सो एक स्केल डिवीजन की जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर दे, उस करंट को हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर या फिगर ऑफ मेरिट। अब बात करते हैं सेंसिटिविटी। अच्छा, ये फिगर ऑफ मेरिट जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे तो वहाँ पर आप ये कैलकुलेट करते हो, बाकायदा इसका कैलकुलेशन प्रोसीजर है, तो वहाँ पर भी हम इसे यूज़ करते हैं फिगर ऑफ मेरिट को। सो लेट अस टॉक अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी क्या है, जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन आए कम करंट पे वो ज़्यादा सेंसिटिव है। तो करंट सेंसिटिविटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन करंट सेंसिटिविटी एज योर डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। सो इनकी आपकी कितनी डिफ्लेक्शन आई है यूनिट करंट में, लेकिन करंट हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू जी अल्फा। सो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू अल्फा बाय जी अल्फा, अल्फा एंड अल्फा कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास सिर्फ जी बचा और जी की वैल्यू हमारे पास थी एन बी ए बाई के, यानी के बाई एन बी ए, बट एन बी ए ऊपर चला गया, तो आपके पास ये आई करंट सेंसिटिविटी। नाउ सेम वे वी कैन डिफाइन वोल्टेज सेंसिटिविटी, वी एस डिफाइन कर सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू अल्फा बाय वी, और अल्फा को अगर आप अल्फा बाय वी, एंड अल्फा को अगर आप प्लेस करें, वी को आप प्लेस करें, दैट इज इक्वल टू आई आर, तो आपकी बाकी सारी एक्सप्रेशन सेम है, यानी वी एस को हम डिफाइन कर सकते हैं एन बी ए बाय आर के। तो एक आर जो रेजिस्टेंस था वो एक एडिशनल हमारा इसमें ऐड हो गया है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं वोल्टेज सेंसिटिव। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट पोटेंशियल वोल्टेज, एंड करंट सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। इफ़ यू वुड लाइक टू टेक द रेशियो ऑफ आई एस और वी एस का, आप रेशियो लें करंट सेंसिटिविटी का और वोल्टेज सेंसिटिविटी का, तो आपके पास आया था आई एस बाई वी ऑफ एस इज इक्वल टू आर। ये सिंपली रेसिस्टेंस के इक्वल आया था, मतलब मैंने इसको इससे रेशियो ले लिया है। सो आप ये तो सिंपली न्यूमेरिकल्स वगैरह में कहीं आपको यूज़ करने में आए तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी, हम क्या कर सकते हैं। अब हमें पता चला कि करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए करंट सेंसिटिविटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही थी, एन बी ए और के पे। तो एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स, बट नंबर ऑफ टर्न्स यू कैन नॉट इंक्रीज बियॉन्ड सर्टेन लिमिट, क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस रादर घटने के, मतलब सेंसिटिविटी बढ़ने के उल्टा घट जाएगी, क्योंकि जैसे नंबर बढ़ेगा जितनी ज़्यादा आप टर्न करेंगे उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, और अगर रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो आपका सेंसिटिविटी बजाय बढ़ने की वो कम हो जाएगा। तो क्या फ़र्क पड़ेगा, एक तो ये बल्की हो जाएगा, इट विल मेक इट बल्की, अगर नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करते हैं, इफ़ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न इट विल बिकम बल्की एंड इंक्रीज इन आर, रेसिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है, तो वी कैन नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न बियॉन्ड सर्टेन लिमिट। दूसरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, यस मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स यूज़ कर सकते हैं, हम हॉर्स शू मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं, डिस्क मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम हॉर्स शू मैग्नेट ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट। तो यस वी कैन डू इट बाय यूजिंग हॉर्स शू मैग्नेट। थर्ड पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, एरिया। तो आप एरिया अगर इंक्रीज करोगे तो एरिया इंक्रीज करने पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। On increasing area, B will not be uniform and maximum। क्योंकि आप एरिया बढ़ाओगे तो बहुत सारा
आउटर एरिया जो है वो ऐसा रह जाएगा जहाँ पे मैक्सिमम फील्ड लाइंस नहीं गुजर रही, तो हम एरिया को भी बियॉन्ड सर्टेन लिमिट नहीं बढ़ा सकते क्योंकि मैनेजेबल नहीं होगा एक तो, और दूसरा फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म नहीं रह रही। चौथा पॉइंट क्या कर सकते हैं, हम के को चेंज कर सकते हैं, यस हाँ हम के को कम कर सकते हैं। अगर हमने सेंसिटिविटी को बढ़ाना है, आई एस करंट सेंसिटिविटी है, तो हम के को कम कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मटेरियल, जैसे कि हम फॉस्फर ब्रॉन्ज की जगह हम क्वार्ट्ज फाइबर यूज़ कर लें, तो हम उससे हमारी जो के की सेंसिटिविटी है वो कम हो जाएगी। तो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन कि के को कम करने के लिए हम क्वार्ट्ज फाइबर वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इट कैन बी मेड मोर सेंसिटिव, यानी कि आप इसकी सेंसिटिविटी को डिज़ाइन कर सकते हो, आप इसको ज़्यादा सेंसिटिव या कम सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर को बना सकते हो, ये एडवांटेज है पहला। लीनियर स्केल हम यूज़ कर रहे हैं वो हमने एक्सप्लेन किया, क्योंकि करंट जो है डायरेक्टली सिर्फ डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल हो जाते हैं तो हम लीनियर स्केल यूज़ कर पाते हैं। दूसरा, हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, हॉर्सशू मैग्नेट, जिसकी वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट नहीं करती डिफ्लेक्शंस को, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आउटर एटमोसफेयर में है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसके साथ मिक्स नहीं होंगी। थर्ड फोर्थ इज इट इज़ अ डेड बीट टाइप गैल्वेनोमीटर। डेड बीट टाइप का मतलब होता है कि इमीडिएटली स्टॉप पे आ जाता है, जैसे ही इसके अंदर एडी करंट्स प्रोड्यूस होती हैं, हमारी जो कॉइल है, जो ये कॉइल थी उसके साथ आपका पॉइंटर अटैच था, ये पॉइंटर अटैच था, तो अगर मान लीजिए आपकी कॉइल घूमती है और बहुत देर तक ऑसिलेट करती रहती है तो आपके पॉइंटर को स्टॉप करने में टाइम लगेगा और आप ऑब्जर्वेशन करेक्ट नहीं ले पाएंगे। तो ये क्या करता है, ये डेड बीट टाइप होता है, इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाती हैं कि जैसे ही टर्न किया वहीं जाके रुक जाएगा, वो ऑसिलेट करेगा ही नहीं, एक दो बार भी नहीं, तो फिर इसीलिए इसको कहा जाता है डेड बीट टाइप गैल्वेनोमीटर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। वी कैन नॉट इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑन द व्हील, दैट मीन्स एक बार जो आपने डिजाइनिंग कर दी उस वक्त आप उसकी जो सेंसिटिविटी सेट कर रहे हो वो ही रहेगी थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट, यानी कि जब तक आप वो मॉडल यूज़ करोगे वही सेंसिटिविटी रहेगी, आप उसे बार बार चेंज नहीं कर सकते, अपनी इच्छा से जब मर्जी चाहें उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर पाएंगे। गेट्स डैमेज्ड ऑन ओवरलोडिंग, अगर आप एक्सेसिव करंट पास करा दो गैल्वेनोमीटर में तो गैल्वेनोमीटर इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो ओवरलोडिंग करंट या स्ट्रॉन्ग करंट्स को बियर नहीं कर पाते, ये इनका दूसरा डिसएडवांटेज है। सो आज की क्लास के लिए हम इतना ही लेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 22-23 मिनट का, आई वाज थिंकिंग कि मैं कुछ कन्वर्जन्स भी ले लूँ, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में विल ऐड कन्वर्टिंग अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर या कन्वर्टिंग इट इनटू अ एमीटर, एंड उसके न्यूमेरिकल्स भी हम तभी ले लेंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।